नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे दूसरे व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी। तो गाइस, सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा है और अभी अभी बाहर निकले हैं अपार्टमेंट से। ये हमारा अपार्टमेंट, बाहर निकले हैं और जा रहे हैं की तरफ। आंखों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं लग रही हैं जिसकी वजह से आंसू आ जा रहे हैं हमारे। तो गाइस, इंडियन एम्बेसी जा रहे हैं। भाई का कुछ काम था और मेरा भी कुछ काम था, तो काम करवा के इंडियन एम्बेसी निकलेंगे। अभी आपको दिखाएंगे इंडियन एम्बेसी में आए हुए जो भी रास्ते हैं। तो गाइस, हम जाने वाले थे टैक्सी से, बट टैक्सी से जाने के लिए भाई ने मना कर दिया क्योंकि टैक्सी में लग रहे हैं हमारे 1200 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम अपना एक KFC का पूरा बड़ा वाला बकेट खा सकते हैं। जनता माफ़ नहीं करेगी। बट हमने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं और मेट्रो से चलते हैं। मेट्रो दिखाएंगे आपको, थोड़ा मेट्रो का नज़ारा भी दिखा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर काफ़ी मोटा हो गया तो पतला होने के लिए हमें थोड़ी वॉक करनी भी ज़रूरी है। तो इसलिए अब वॉक और टॉक करते हुए हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। तो गाइस, रास्ते में चलते हुए मुझे सामने दिख गई चाची और मैंने फ़ोन अपने एकदम एग्जैक्टली चाची की तरफ दिखाते हुए पकड़ रखा था, तो उनको लगा कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी गुस्से से वो मुझे देख के गई है। थोड़ा बहुत मैं डर गया था और अपना कैमरा नीचे रख दिया। तो गाइस, मेट्रो के पास हम पहुंच गए हैं और मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखा देता हूँ मेट्रो का है। आंटी को लगा कि मैं उनसे कुछ मजाक कर रहा हूँ तो वो हंस दी थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, मेट्रो के पास हम पहुंच चुके हैं और मेट्रो में थोड़ी देर में एंट्री कर जाएंगे। ये है मेट्रो का एंट्रेंस गेट, जहाँ पे आपका किया जाता है स्वागत। मॉस्को मेट्रो में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो में स्वागत किया जाता है जब आप दिल्ली मेट्रो में एंटर करते हैं। तो चलिए अंदर जाकर दिखाएंगे आपको कि मेट्रो में क्या क्या चीज़ें हैं। आंटी टकरा गई मेरे से भाई साहब। इस मेट्रो का नाम है ऑक्टियावर्स के बोले दिल के राज खोले। तो गाइस, आई मुझे मेट्रो में कार्ड स्वाइप करना है, इसलिए आपसे बाद में मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी आ गई है और हमें भी इसी मेट्रो में जाना है। तो हम पहुँच गए मेट्रो। गाइस, मैं मेट्रो आया था और मुझे मेट्रो में जादू मिल गया। जादू का जादू की शक्ल देख सकते हो आप, कितनी बढ़िया लग रही है। ए जादू जादू, क्या मैं तेरे ऊपर पादू। Будьте осторожны, выходя из вагона. कहाँ से? यहाँ से। तो गाइस, मेट्रो से बाहर निकल गए और अब जा रहे हैं एम्बेसी की ओर। यहाँ पर चढ़ लिया हमने एस्केलेटर और यहाँ से निकलेंगे हम बाहर। यहाँ पर देखिए गाइस, नंबर लिखे रहते हैं एस्केलेटर में, 125, फिर 5 के बाद ये देखिए 130 यहाँ पर है, फिर वहाँ पे 125, फिर ऐसे नीचे नीचे जाएंगे तो 135, 140 सब नंबर मिलेंगे आपको। तो गाइस, हम निकल गए एस्केलेटर से बाहर और हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि अंडरग्राउंड था वहाँ पर। यहाँ पे सारी मेट्रो जो अंडरग्राउंड चलती हैं, इंडिया की तरह कुछ मेट्रो हवा में नहीं चलती। बट यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये आपको बहुत सारे टिकट काउंटर मिल जाएंगे जहाँ से आप खुद ही अपने टिकट ले सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर, अपना कार्ड डालिए, कार्ड स्वाइप कीजिए और आप मल्टीपल कार्ड्स आप यहाँ ले सकते हो। तो गाइस, हम निकल गए मेट्रो से बाहर और बाहर मौसम देखिए, आज मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ एक बार। ये है आसमान और ये सामने देखिए आप।
गाइस हम मेट्रो से तो बाहर निकल गए, बट उसके बाद भी हमें चलना है 2 किलोमीटर और, तो एटलीस्ट 16 से 20 मिनट हम वॉक करेंगे और पहुंच जाएंगे अपने इंडियन एम्बेसी पे। तो गाइस आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचने ही वाले हैं हमने इंडियन एम्बेसी, और देखिए ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें सांस लेने में। आप मेरी सुन सकते हो धड़कने, दिल की काफ़ी तेज धुक धुक कर रही है। हो सकता है कि मैं मोटा हूँ शायद इसलिए ऐसा हो रहा हो, क्योंकि जब मैं पतला हुआ करता था तो 5-6 किलोमीटर तो मैं आराम से चल लेता था, बट अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चला हूँ मैं और मेरी जान बोल गई कि नहीं अब और नहीं, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब तो। ठीक गाइस मैं जाम में फंस गया हूँ क्योंकि अभी ग्रीन लाइट थी और भाई तो पहुंच गया ग्रीन लाइट पार करके, बट ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं रह गया पीछे, और जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था रेड लाइट हो गई। तो वेट करेंगे ग्रीन लाइट का फिर करेंगे। ओके ग्रीन लाइट हो चुकी है और मैं चल पड़ा आगे। तो गाइस 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए इंडियन एम्बेसी। ये सामने देख सकते हैं आप, एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूं, ये है एड्रेस इंडियन एम्बेसी का, इसके अंदर हमें घुसना है अभी। तो रोड पे जाम लगा था, हमने सोचा पार कर लिया जाए और पार कर ली, और ये रहा इंडियन एम्बेसी का गेट। भारत का राजदूतावास। तो भाई काम हमारा हो चुका है इंडियन एम्बेसी के अंदर कंप्लीट, और हम निकल गए घर की ओर। लास्ट टाइम अभी जब हम आए थे तो आधे टाइम में हमने वॉक किया काफ़ी लंबा, 2 किलोमीटर के आसपास, तो इसलिए अभी हम थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम अब वॉक नहीं कर सकते, तो हम टैक्सी से जाएंगे घर पर। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं ले। टैक्सी बुक हो चुकी है और हम टैक्सी की राह देख रहे हैं, 2-3 मिनट के अंदर हमारी टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी लोकेशन पर, उसके बाद हम जाएंगे घर, और घर पहुंच के हम बनाएंगे मोमोज। तो मोमो हम जो बनाएंगे आपको दिखाएंगे बाद में अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर आप लोग कहते हो कि इतना लंबा व्लॉग मत डालिए। मुझे पर्सनली मेरे दोस्तों ने कॉल करके कहा था, क्योंकि अभी तो मेरी ऑडियंस है नहीं इतनी ज़्यादा, बट जल्दी हो जाएगी। देवियों सज्जनों अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से विदा, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और मुझे जाना होगा अपने घर। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। ऐसे ही अच्छे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी रीच काफ़ी ज़्यादा हो जाए और बढ़िया से बढ़िया लोग हमें देख पाएँ। तो इस टैक्सी देखिए कितनी दूरी पर थी हमारी।